बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ख्वाब के अंदर सफर करना, इसकी मुख्तलिफ सूरतें हैं और मुख्तलिफ ताबीरें हैं, जैसा कि सफर करना, साइकिल पर सफर करना, पैदल सफर करना, नामालूम जगह का सफर करना, मालूम जगह का सफर करना, किसी दोस्त के साथ सफर करना, रिश्तेदार के साथ सफर करना, फैमिली के साथ या फैमिली के किसी एक फर्द के साथ सफर करना, टांगे पर सफर करना, रेलगाड़ी पर सफर करना, समुद्री जहाज पर सफर करना, कार पर सफर करना या किश्ती पर सफर करना, मोटरसाइकिल पर सफर करना, बस पर सफर करना और हवाई जहाज वगैरह पर सफर करना वगैरह। इसके अलावा इससे मुतल्लिका और भी कई सूरतें हैं जिनकी मुख्तलिफ ताबीरें हैं, तो आइए जानते हैं। ख्वाब के अंदर सफर करना कामयाबी मिलने और कारोबार में तरक्की होने की अलामत है। ख्वाब के अंदर साइकिल पर सफर करना मुशक्कत में पड़ने और देर से मगर कामयाबी मिलने की अलामत है। ख्वाब के अंदर पैदल सफर करना कारोबार में जद्दोजहद से कामयाबी मिलने की अलामत है। ख्वाब के अंदर टांगे पर सफर करना राहत और इज्जत पाने, खुशखबरी मिलने और आराम और सुकून से जिंदगी बसर करने की अलामत है। ख्वाब के अंदर रेलगाड़ी पर सफर करना घर से दूर होने और लंबे सफर पर रवाना होने की अलामत है। ख्वाब के अंदर समंदरी जहाज पर सफर करना वसी कारोबार शुरू करने और बहुत ज्यादा जदोजहद के बाद कामयाबी मिलने की अलामत है। ख्वाब के अंदर कार पर सफर करना सूद हासिल करने और नफा नुकसान बराबर उठाने की अलामत है। ख्वाब के अंदर किश्ती पर सफर करना बुजुर्गी पाने, दौलतमंद होने, साहिब अजमत होने, इकबाल बुलंद होने और सरदार होने की अलामत है। ख्वाब के अंदर मोटरसाइकिल पर सफर करना कारोबार में तरक्की होने और तेजी से उरूज पाने की अलामत है। ख्वाब के अंदर हवाई जहाज पर सफर करना गरीब है तो अमीर होने यानी दौलतमंद होने की अलामत है, और अगर अमीर आदमी यही ख्वाब देखे तो इज्जत मिलने, कारोबार में तरक्की होने और राहत और सुकून पाने की अलामत है। ख्वाब के अंदर बस पर सफर करना दौलत पाने, शोहरत पाने और नेकनाम होने, बुराई से परहेज और मर्तबा बुलंद होने की अलामत है। हजरत इब्ने सिरिन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर ख्वाब के अंदर कोई देखे कि इसने किसी ऐसी जगह का सफर किया है कि वो मकाम पहले मकाम से बेहतर है तो इसका मतलब है कि इसका हाल नेक होगा। ख्वाब के अंदर किसी मालूम जगह का सफर करना बेहतरी, फायदा और खुशी हासिल होने की अलामत है। ख्वाब के अंदर नामालूम जगह का सफर करना इसकी ताबीर पहली के बरक्स है, यानी घर वालों से जुदा होने या नुकसान उठाने की अलामत है। कोई भी बुरा ख्वाब देखने की सूरत में इस्तग़फ़ार करें और सदका करें, क्योंकि सदका आने वाली मुसीबत को टाल देता है। ख्वाब के अंदर किसी दोस्त के साथ या रिश्तेदार के साथ या फैमिली के साथ सफर करना शर्फ पाने, बुजुर्गी पाने और इंशाल्लाह दिली मुराद पूरी होने और आराम और राहत मिलने की दलील है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।